अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं हुशे, मेरे साथ है अली भाई एज़ यूजुअल। और आज हम आपके लिए एक इंटरटेनिंग वीडियो लाए हैं जो कि ट्रिगर्ड इंसान का वीडियो है। दिस इज़ फनीएस्ट नेपाली एक्शन सीन। दिस इज़ ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, तो एंटरटेनमेंट में ही यस, लीजिएगा। हर कंट्री का होता है बिल्कुल, बेसिकली। और हमारी इस पर भी, पाकिस्तान की भी और बहुत ज़्यादा कंट्रीज हाँ, की और उनके भी भी हम एक लाएंगे वीडियोस आके बनी हुई है, तो दिस इज़ ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट। शुरू करते हैं, ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सो लेट्स स्टार्ट। मेरे करण अर्जुन आएंगे, जमीन की आएंगे। छाती अच्छा, फाड़ के आएंगे, जमीन की ओह छाती फाड़ के आएंगे। हाय ला, इसने तो बात को सीरियसली ले लिया। ये तो सच्ची में धरती की छाती फाड़ के आ गया। धरती की छाती बाइक से फाड़ गया। ओ भाई, कोई तो रुको, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या कैमरा वर्क है भाई साहब। कुछ नीचे ज्यादा नहीं से हो बाइक गया? कैसे हो? ये ज्यादा नहीं, ये बहुत ज्यादा हो गया। ये बंदा बाइक धरती के अंदर से कैसे निकाली भाई? उसके बाद 600 किलोमीटर तक अपनी बाइक को उड़ाते हुए लेकर गया। मतलब लॉजिक और ग्रेविटी की एक साथ पेल दी। पेल दी। नेपाली एक्शन सीन्स में वीडियो भाई बनाओ। तुम नेपाली एक्शन सीन्स में वीडियो बनाओ। नेपाली मूवी एक्शन भाई, नेपाली नेक्स्ट नेपाली 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 नेपाली। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं गुजारिश करता हूँ मत बनाओ। तो इस सीन में हम देखते हैं कि एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है और ये ब्राउन पैंट वाले भैया भागते हुए आए और ये लाल पैंट वाले भैया भागते हुए आए और ये ब्राउन पैंट और लाल पैंट वाले ने लड़ाई करनी शुरू कर दी है। भाई ऊपर। अच्छा, पुरानी आवाजें भी है। और ये लाल पैंट ने ब्राउन पैंट को घुसा दिया और ये ब्राउन पैंट वाला, ओ माय गॉड, रेलिंग टूट के नीचे गिर गए। लेकिन ब्राउन पैंट वाले ने अपने आप को संभाला, किसी तरीके से बैलेंस बरकरार है। और ये अब ब्राउन पैंट वाले ने लाल पैंट वाले को ये धक्का देने की कोशिश करी और ओ माय गॉड, फिर से रेलिंग टूट गई। लेकिन दोनों ने अभी तक बैलेंस बरकरार रखा हुआ है, दोनों अभी तक नहीं गिरे हैं। लेकिन ओ शिट, फाइनली ये गिर गए हैं और ये दोनों गए नीचे। ये हवा से रुक जाएंगे। हमने क्या बात है। रन बस। माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये बंदे 6000 फीट की ऊंचाई वाली बिल्डिंग से कूदे, उसके बाद बीच हवा में इन्होंने करतब भी दिखाए और उसके बाद बस ऐसे ही धरती, बस ऐसे ही 6000 फीट। अरे अरे, हाइट, ग्रेविटी, F is equal to MA, U is equal to, पता नहीं जो भी थे यार वो लॉज ऑफ मोशन, कुछ तो रिस्पेक्ट करो यार उनकी। नहीं, रिस्पेक्ट गई, रिस्पेक्ट। ओ कहाँ भाई, कहाँ? पीछे दरख्त के साथ लगेगा, ऊपर बैठ जाएगा। खैर, भाई बस कर। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। बस करो भाई। तो मेरे को समझ ब्लैक यूनिफॉर्म वाले कमांडो ने इसके एक घूसा मारा तो ये बंदा 10,000 फीट हवा में उड़ता हुआ गया है, उसके बाद पेड़ से टप्पा खा के वापस नीचे गिर रहा है। और इससे पहले कि वो धरती पर लैंड हो पाता, ये कमांडो ने उसके सर पे लात दे मारी और वो हेलीकॉप्टर की तरह उड़ गया। ओह शिट, बेमार 4.5। उसके बाद इन दोनों के सर पे ऐसी क्या लात पड़ी कि ये हवा में रिंगा रिंगा रोजेस खेलना शुरू हो गए। मतलब घूम ही जा रहे, घूम ही जा रहे। वो बंदा चलता हुआ निकल ले, ये अभी तक हवा में घूम ही जा रहे। घुमाओ 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 घुमाओ। ओए, ये तो वो आ गया है, दूसरी आ गया। क्या चल रहा है भाई? कौन ऊंची टांग कर सकता है, ये मुकाबला चल रहा है। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे चलता है। पानी पानी। ये तो मुफ्त के झूले हैं, मुफ्त के झूले। अच्छा, दोनों मिस कर गए। मिस कर गए दोनों।
आपने मतलब देखा क्या कर रहे हो एक्शन सीन के पहले उन्होंने अपनी लात अपने सर के ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री परपेंडिकुलर खड़ी करके युद्ध का आगाज कराया कि जी हाँ हम लड़ाई के लिए तैयार है और फिर उसके बाद ये लानत है यार कसम से दोनों के जीवन पे लानत है। कमांडो फिर पुलिस बेचारी तो को क्या लगता है कि ये प्राणी आसमान में क्यों देख रहे हैं? क्या ये भगवान को याद कर रहे हैं? क्या ये चेक कर रहे हैं कि कहीं बारिश तो नहीं होने वाली? ये लेके जा रहा चेक करने। क्या शक्ति है? ऐसे कौन करता है भाई? जब ये बंदा ऐसे स्वैग में इसके पास गया और अपनी लातें इसकी गर्दन के पास अटकाए, मुझे लगा आप कोई ट्रिक दिखाके इसकी गर्दन मरोड़ देगा। मुझे क्या पता था कि ये बंदा तो ग्रेविटी के साथ मजाक करने गया। जितनी देर में ये हवा में उड़ रहा था ग्रेविटी भी लाइक हाँ यार तू कर ले आराम से, कोई टेंशन नहीं है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। और ये फाइट सीन के नाम पे क्या मजाक चल रहा है, झूले दिए जा रहे हैं यहाँ पे। आओ बेटा तुम्हें गर्दन में फंसा के मैं झूले दूंगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे। एनीवेज आज की वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि मैं तो थक गई भाई साहब। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, क्योंकि इस वीडियो पे एम करते हैं 40,000 लाइक्स का, आज तक हाईएस्ट है। लेकिन यार तुम पिछली सारी वीडियोस पे 40,000 लाइक्स तो बहुत आराम से दे रहे हो, तो इस पे भी दे दोगे। अगली वीडियो में मिलेंगे, थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके व्हाट वाज दैट? इस पे तो मैं अपने दूसरे चैनल पे भी रोस्ट बनाऊं। कैसे हो सकता है? इस पे बहुत अच्छा रोस्ट आएगा और आपने मेरे दूसरे चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे जाएं सब्सक्राइब करें उसको और उस पर एक रोस्ट वीडियो हम तैयार करते हैं। क्यों भाई, करना तो चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ ये तो बनता है कि, और इससे थोड़े से अच्छे अभी भी मैंने देखे हैं कि अभी जो रीसेंट मूवीज आई हैं उनमें भी कुछ सिमिलर ही हैं, एक्शन कोई इतना डिफरेंट नहीं है। चलिए ये तो थोड़े ओल्ड लिए गए हैं क्लिप ना, लेकिन अभी जो रीसेंट आई है इंडिया पाकिस्तान में भी काफ़ी सारी, तो उनमें भी जब ये हमारे हमारे आंखों के साथ ये खिलवाड़ करते हैं। और खिलवाड़ कैसा करते हैं जो कि अच्छा, ये आज से 30 साल पहले की अगर ये वीडियो है ना, और वो उस वक्त कितना रियल लगता होगा। आप टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि लोगों को पता चलता होगा यार ये कर क्या रहे हैं, कुछ सेंसिबल चीज समझ आती है सामने वो भी। लेकिन फिर भी सुपर वो जो मूवीज होती है ना वो वाली फिर भी अभी तक ऐसे फिक्शन ही है। लेकिन ये मूवीज जो थी पहले ऑलमोस्ट ऐसी मूवीज आती थी जब पाकिस्तान की हम ओल्ड देखे कि गोली आ रही है और गोली को आगे से ऐसे किया और गोली वापस चली गई, गोली को यूं करते हैं तो गोली यूं करके ना मुट्ठी बंद करके और फिर करते और दोबारा वापस जाके बंद गोली वापस भी चली जाती है यार। तो इस तरह के मजीद वीडियोस लाएंगे अगर आप लोग रिकमेंड करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही था, मजा आया देखकर वीडियो में, काफी अच्छा रोस्ट किया। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आपने इसी तरह रिकमेंडेशन देते रहना है और सपोर्ट करते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।